उस दिन अचानक हमको कुछ अजीब सा लगा। हमको लगा कि हमको बाथरूम जाना होगा। हम उठकर टीचर के पास गए तो पीछे कपड़े पे खून का दाग लगा था। सब लोगों ने देख लिया। हम उसके बाद जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। सब क्या सोचेंगे? जो नगमा के साथ हुआ वो अक्सर कई सारी लड़कियों के साथ हो जाता है, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये हम सब लड़कियों की प्रकृति है। इसमें डरने या घबराने की कोई बात नहीं। हर लड़की को 12 से 14 साल की उम्र में मासिक होता है और 40 से 50 की उम्र में ये बंद हो जाता है। मासिक कोई पाप नहीं है, कुदरत की देन है, एक महिला के मजबूत होने की निशानी, कमजोरी की नहीं। अरे उसका मर्द कमलेश चौधरी आदमी नहीं है, राक्षस है। राक्षस जबरन उसके साथ शारीरिक। नहीं मुझे मत छूना। हमने सुना है तुम बहुत ही अच्छा लड्डुआ बनाती हो। दीदी हम इससे ब्याह करेंगे, हमको ये बहुत पसंद है। शादी करके आप उसकी जिंदगी को सूली पर चढ़ाना चाहते हैं और उसकी हिफाजत, उसकी जिंदगी, उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे आप? बेटियां कोई बोझ नहीं होती है कि बस उनकी शादी करा दी और ससुराल भेजकर उनसे छुटकारा पा लिया। हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि रिपोर्ट में इस बार है क्या। बेटा चाहिए हमको, लेकिन हर बार रिपोर्ट में लड़की ही आती है। हाँ सीमा, एक जरूरी बात करनी है। आप जानते हैं ना कि बच्चा अगर माँ की कोख में 20 हफ्ते से ऊपर हो तो गर्भपात से मां की जान को खतरा हो सकता है। प्रीनेटल डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एक्ट के अनुसार यदि आप किसी गर्भवती स्त्री के पेट पे लिंग परीक्षण करते हैं तो कानून के आधार में ये अपराध है। कभी परवाह नहीं की कि कितनी कमजोर थी तुम्हारी पत्नी। उसके चेहरे और शरीर पर साफ लिखा था कि वो एनीमिक है। ये कैसी बीमारी है, मैं कुछ समझा नहीं। एनीमिया बीमारी नहीं, एक अवस्था है जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। और अलका को कुछ वक्त दो अपने आप को संवारने का। अब अगले बच्चे की जल्दी मत करना। मगर कैसे रोके? कॉन्डम है जिसे सहवास के दौरान तुम आसानी से लिंग पर लगा सकते हो। ये गर्भ निरोधक गोलियां हैं जिनके लेने से स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता। ये कॉपर टी है। ये सभी साधन सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है और इन्हें बिना पैसे पाना तुम्हारा अधिकार बनता है। ये कॉपर टी है, इसे लगाने से ना ही कोई तकलीफ होती है और ना ही किसी तरीके का बदलाव आता है शरीर के अंदर। इस सुई जैसे आकार के ऊपर ये सीधा लंबा आकार है जो आपके गर्भाशय में जाता है तो गर्भ नहीं ठहरता है। हमारा वो गीला हो जाता है, हम बहुत परेशान हैं। दोस्त लोग बोल रहे हैं कि हम वैसे ही कमजोर हो जाएंगे। तुम शायद स्वप्न दोष की बात कर रहे हो। देखो तुम और हम जवान हो रहे हो तो हमारे साथ साथ हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि प्रजनन करने वाले अंग भी तो बढ़ रहे हैं। ये हमारे उम्र के हर लड़के के साथ होता है। अपनी बेटियों को कैसे बड़ा करना है बस उसी सब में लगे रहते हैं। ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ, और बेटों को कुछ नहीं कहते। इन जवान होते हुए बच्चों के ऊपर कई तरह के प्रभाव होते हैं। शारीरिक संबंध की आधी अधूरी जानकारी होती है। सर अगर हम इन्हें सही समझ दे पाए तो सही रास्ता तो ये खुद ही चुन लेंगे। सिर्फ छेड़ कर नहीं, जरा एक बार उनके साथ खेल कर भी तो देखो, उनके साथ कदम मिलाकर देखो, कंधे मिलाओ, नजर मिलाओ, विचार मिलाओ। अगर लड़का लड़की एक साथ पढ़ेंगे नहीं
खेलेंगे नहीं, अपनी बातें एक दूसरे के साथ नहीं बांटेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं मानता हूं कि साथिया सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि किशोर और किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर एक नई क्रांति की शुरुआत है। एक साथिया की जिम्मेदारी किशोर किशोरियों में आ रहे शारीरिक बदलाव, शारीरिक स्वास्थ्य और खुशहाली, मानसिक स्वास्थ्य, गुप्त अंग और गुप्त रोगों की जानकारी, हिंसा के खिलाफ आवाज, अपने अधिकारों का परिचय और इस तरह की जरूरी बातों को लेकर इन्हें तैयार किया जा रहा है। ट्रेनिंग के बाद ये अपनी उम्र के किशोर किशोरियों से चर्चा करेंगे, उनकी समस्याओं के समाधान खोजने का प्रयास करेंगे, एक दोस्त बनकर उनकी पूरी सहायता और मदद करेंगे। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।